हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम इंग्लिश के एमसीक्यू लाए हैं और पोम का नाम है द बॉल पोम। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ बॉल पोम। तो जो पोम है जिसका नाम, चैप्टर का नाम क्या है, बॉल पोम, उसके पोइट का नाम क्या है, उसके कवि का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेकेंड ऑप्शन है जॉन बैरीमैन, या सी ऑप्शन है ओलिवर, या डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, द बॉल पोम के पोइट का नाम है जॉन बैरीमैन, यानी ऑप्शन बी। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद। जो वो बॉय था इस पोम में, वो छोटा सा लड़का, वो किस चीज़ के साथ खेल रहा था, बॉल के साथ, कैट के साथ, बैट के साथ, या ऑल ऑफ दीज, यानी इन सब के साथ। तो वो छोटा सा लड़का किसके साथ खेल रहा था, बॉल के साथ खेल रहा था। तो इस आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डज द बॉल गो। वो बॉल कहाँ चली गई थी। ऑप्शन है ड्रेन में, ऑप्शन बी है वेल में, ऑप्शन सी है हाउस में, या ऑप्शन डी है वाटर में। जो वो बॉल थी, वो बॉल कहाँ चली गई थी, वो बॉल चली गई थी वाटर में, यानी पानी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। फोर में पूछा गया है, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। उस बॉल की क्या कीमत थी। तो इसके ऑप्शन है 5 डाइम्स, ऑप्शन बी है 2 डाइम्स, ऑप्शन सी है 1 डाइम, या ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, जो बॉल की कॉस्ट थी वो क्या थी, 1 डाइम थी, यानी ऑप्शन सी। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। तो वो जो चाइल्ड था, चाइल्ड कौन, वो लड़का जो था, वो बॉय जो था, वो कैसे रिएक्ट करता है जब उसकी चीज़ क्या हो जाती है, खो जाती है। तो इसके ऑप्शन है स्टैंड रिजिड, ऑप्शन बी है ट्रेम्बलेंस, ऑप्शन सी है स्टेयर्स, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम, यानी वो खड़ा रहता है, कांपता रहता है, या घूरता रहता है, या सारे ही सारे ऑप्शन इसके सही है। तो वो जो छोटा सा बच्चा था, वो लड़का था, वो क्या करता है, वो खड़ा भी रहता है, कांपता भी रहता है, और घूरता भी रहता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ देम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। अगर पोइट के अकॉर्डिंग हम देखें तो बच्चा क्या सीखता है, ऑप्शन टू बियर अ लॉस, ऑप्शन बी टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी टू बी रिस्पॉन्सिबल, या ऑप्शन डी है टू बी केयरफुल। तो बच्चा क्या सीखता है, बच्चा ये सीखता है टू बियर अ लॉस, यानी उसने ज़िंदगी में कुछ खोया है तो वो उसको क्या करेगा, बियर कर सकेगा, सहन कर सकेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन में पूछा गया है, व्हाई आर दी बॉयज आईज डेस्परेट। बॉय की आंखें क्यों बेचैन थी, उस लड़के की आंखें क्यों बेचैन थी। ऑप्शन है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, ऑप्शन बी है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, ऑप्शन सी है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज ग्लव्स, या ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई कुछ नहीं। तो उस लड़के की आंखें बेचैन इसलिए थी क्योंकि उसने क्या खो दी थी, उसने अपनी बॉल खो दी थी। तो इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एट। एट में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोइट एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम द। पोइट के अकॉर्डिंग हर इंसान को किससे उभरना चाहिए, प्रॉफिट से उभरना चाहिए, डिफ़िकल्टी से उभरना चाहिए, प्रॉब्लम से उभरना चाहिए, या लॉस से उभरना चाहिए। तो इसका सही क्या आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी लॉस से उभरना चाहिए, कि हर इंसान को किस चीज़ से उभरना चाहिए, लॉस से। तो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। नाइन में पूछा गया है, गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज डैश। पोइट के अकॉर्डिंग अगर जो वो था, बच्चा था, उस बच्चे को दूसरी बॉल दे दी जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है सेंसलेस है, ऑप्शन बी है वर्थलेस है, ऑप्शन सी है यूजलेस है, या ऑप्शन डी है हार्मलेस है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर है वर्थलेस होगा। अगर उस बच्चे को हम दूसरी बॉल दे भी दें तो वो क्या है, वो बेकार है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टेन। टेन में पूछा गया है, Who would not introduce the boy? बच्चे को कौन introduce नहीं करेगा। तो ऑप्शन है the ball, ऑप्शन बी है the poet, ऑप्शन सी है the gloves, या ऑप्शन डी है none। तो इसका सही आंसर क्या है,
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द पोइट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा गया है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन, तो हमें मतलब बताना है किसका इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का। तो इसके ऑप्शन है लव, लस्ट, ऑप्शन सी है मटेरियलिस्टिक थिंग, या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया है वेयर वॉज अ बॉय स्टेयरिंग डाउन, लड़का कहाँ घूर रहा था। तो इसका सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये है द सी है, द ओशन है, द हार्बर है, द लेक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द सही आंसर होगा उसका द हार्बर। सॉरी इसमें द बॉर्डर लिखा गया है, आप उसको बॉर्डर ना करके हार्बर कर दीजिएगा, HARBOUR, हार्बर मीन्स बंदरगाह। तो वो बच्चा कहाँ देख रहा था, वो बच्चा बंदरगाह में देख रहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप इसकी स्पेलिंग सही करेंगे, HARBOUR, बॉर्डर नहीं है, हार्बर है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा गया है व्हाई डज द पोइट डिसाइड नॉट टू कंजोल द बॉय, पोइट ने बॉय को संतावना न देने का फैसला क्यों किया। कंजोल मतलब क्या होता है, शोक प्रकट करना। तो इसके ऑप्शन है ही इज बिजी, इसलिए उसने शोक प्रकट नहीं किया, किसने, पोइट ने। ऑप्शन बी है ही इज इनडिफरेंट, वो थोड़ा इनडिफरेंट था इसलिए उसने शोक प्रकट नहीं किया। ऑप्शन सी है इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था इसलिए उसने शोक प्रकट नहीं किया। या ऑप्शन डी है कि ही इज हैप्पी, कि वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उस छोटे से बच्चे की क्या खो गई थी, बॉल खो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है, पोइट ने शोक प्रकट इसलिए नहीं किया, क्यों, क्योंकि इट विल बी ऑफ नो यूज, उसका कोई यूज नहीं था। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा गया है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, उस छोटे से बच्चे का क्या रिएक्शन हुआ जब उसकी क्या खो गई थी, उसकी बॉल खो गई थी। तो ऑप्शन है वो सैड हो गया था, ऑप्शन बी है वो हैप्पी हो गया था, ऑप्शन सी है कि वो कंफ्यूज हो गया था, या ऑप्शन डी है वो नन, यानी इनमें से कुछ नहीं। तो वो जो छोटा सा वो जो लड़का था उसकी जब बॉल खो जाती तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। नेम द लिटरली डिवाइस यूज इन एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, तो हमें लिटरली डिवाइस बताना है, कौन सी लाइन का बताना है कि नो वन बॉय है अ बॉल बैक। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में लिखा है मेटाफर, ऑप्शन बी है सिमिल, ऑप्शन सी है एलिट्रेशन, या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एलिट्रेशन। तो ये थे MCQ कौन से पोम के, द बॉल पोम के। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और प्लीज़ अगर आपको ये समझ आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।